नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 4 से रिलेटेड पहला वीडियो सेशन है फॉर द सीबीएसई सेशन 2021-22 के लिए। और ये जो है चैप्टर 4 जो आएगा आपको टर्म 1 में पूछा जाएगा, तो मेनली इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपको। तो आज के सेशन में जो हम कवर करने जा रहे हैं उसका पहले हम एक लेखा जोखा देख लेते हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। तो अगर हम डिटरमिनेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे वो हम आज के सेशन में देखेंगे। वी विल कीप आवरसेल्व्स कन्फाइंड टू ओनली 3x3 मैट्रिसेस, अप टू 3x3 मैट्रिसेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तक अपने आप को हम लिमिटेड रखेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। दैट विल बी बियॉन्ड आवर सिलेबस, राइट। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है माइनर्स। उसके बाद हम कोफैक्टर्स करेंगे। माइनर्स और कोफैक्टर्स में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि वो माइनर सा डिफरेंस माइनर्स और कोफैक्टर्स के बीच में कौन सा है। और फिर लास्ट जो आज के सेशन में हम देखेंगे वो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट भी है, वो भी हम देख लेंगे आज की क्लास में। वो है कि अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप जो है उन दो पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाली लाइन का इक्वेशन बना सकते हो यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स तो करेंगे ही, साथ में हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन वो भी हम करेंगे आज के ही इस सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज के सेशन का पहला टॉपिक लेते हैं, वो है डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अभी जो बताया गया आपको, डिटरमिनेंट जो है हमारा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। तो अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि 1 एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको हम जो ऑर्डर वाइज देखें तो 1x1 है, ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 कह देंगे। अब अगर इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो डिटरमिनेंट ए को हम इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं। ये आपको अगर सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं तो अभी मॉड्यूलस जैसा दिख रहा है, पर ये मॉड्यूलस वाला ही साइन है, लेकिन हम अभी फिलहाल इसको डिटरमिनेंट के लिए यूज करते हैं, जो कि बाय कन्वेंशन हम यूज करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो डिटरमिनेंट हमें निकालने के लिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप मॉड्यूलस से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आपके पास यहां पर -1 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां पर भी -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो 1x1 का था, जो कि यहां पर जो भी नंबर होगा वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या है, अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ -1 जो है एक नंबर है एसोसिएटेड विद दैट मैट्रिक्स, तो वो जो है हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेंगे, ठीक है। तो मान रखिए हमने लेट बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑर्डर 2, यह है।
अब इसका जो है डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर फिर से वही है कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम लिखेंगे और इधर हमारे पास वन है, टू है, माइनस वन है और थ्री है. हाउ विल वी इवेल्युएट दिस, बहुत ध्यान से समझिए. इसमें आप A11 वाला जो एलिमेंट है वो ये है, इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है इससे, ठीक है. तो हमारे पास यहां पर आएगा 1 × 3, ठीक है. बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस साइन विल बी देयर, ठीक है. ये 2/2 के लिए मैं बता रहा हूं, 3/3 पे मैं इसके बाद आऊंगा. तो 3/3 भी हम सीखेंगे. एंड चूंकि हमें हमारे सिलेबस में 3/3 तक ही करना है, तो हम 3/3 पे जाके स्टॉप हो जाएंगे. अब दूसरा हमें यहां पर क्या काम करना है, 1 × 3 तो कर लिया, अब हम इसको और इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है. तो ये आ जाएगा -1 × 2, ठीक बात. अब जो है ये आया हमारे पास 3 और ये आ गया -2. अल्टीमेटली इट विल बी 3 + 2 जो कि 5 दे जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 जो हम निकालेंगे वो हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है. एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि कैसे हम ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं. मान रखिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 सी, ठीक है. इसमें जो है यहां पर एलिमेंट है ए बी सी डी. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम जो है यहां पर दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम सी लिखेंगे, उसके बाद यहां पर भी हमारे पास ए बी सी और डी हो जाएगा. फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहां पर ए डी आ जाएगा, माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा करके लिखेंगे तो बीसी हो जाएगा. एंड दिस इज द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट सी. डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू हमारे पास एडी माइनस बीसी हो गया, जो कि नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स सी है. एडी माइनस बीसी हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है. अब हम ऑर्डर 2 का कर चुके, ऑर्डर 1 में तो जो नंबर होता है वही आ जाता है. ऑर्डर 2 का हमने कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके, माइनस करा करके, तो ये प्रोसीजर भी आपको ध्यान में आ गया होगा. उसके बाद हम अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट पे आते हैं. तो यहां पर क्या करना है, हमें मान रखिए कि एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, जिसमें यहां पर 1 × 3 -1 0 2 2 4 1, इस तरह के कोई भी, ये आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. मैंने बस ऐसे आर्बिट्रेरी उठा के ये एज एन एग्जांपल ले लिया है, ठीक है. तो हम जो है जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इट विल बी लाइक दिस वन. ये डी, इसको हमने दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा, यहां पर भी 1 −1 2 2 0 4 3 2 1, ठीक है. अब इसको जब निकालना है तो हम इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं. देखिए 2/2 तक हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, और उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहां पर हम सीधा सीधा A11 को A22 से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस A21 को A12 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमें जो है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिल जाती है. यहां पर हमें जो है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1 के अलोंग भी कर सकते हैं, रो 2 के भी, रो 3 के भी, इन शॉर्ट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है. ये तो डिटरमिनेंट हो गया. अब इसका जो है हम इवेल्युएशन देख रहे हैं, जो हमारा डेफिनेशन है डिटरमिनेंट का,
कि उसके लिए जो नंबर आना है वो नंबर कौन सा होगा। तो ये नंबर मतलब इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर वन देखा, ऑफ ऑर्डर टू देखा। नाउ वी आर स्टडिंग कि हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री। ठीक है, तो हम यहां पर रो वन के अलोंग एक्सपेंड कराते हैं। तो हम रो वन में पहला एलिमेंट लेंगे वन, इसके कॉलम में और इसके रो में छोड़ जो भी एलिमेंट्स आएगा उनको छोड़ के हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचते हैं। ठीक है, जीरो टू फोर वन, तो उनको एज अ डिटर्मिनेंट हम लिख देते हैं, जीरो फोर टू वन, इस तरह से लिख दिया। फिर यहां पर पोजीशन की साइन होती है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो इसकी जो इसके पोजीशन की साइन थी वो प्लस थी, अब जो है ये माइनस में है, तो माइनस यहां पर लेना पड़ेगा और ये एलिमेंट लेना पड़ेगा टू। ठीक है, टू के कॉलम में और टू के रो में जो भी पड़ रहा है एलिमेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, तो आपके पास यहां माइनस वन टू, माइनस वन टू, ये दोनों बचेगा, माइनस वन और ये माइनस वन और ये माइनस माइनस वन और टू बचेगा, जबकि यहां टू और वन बचेगा। ठीक है, टू और वन हो गया। अब हम इस तीसरे पे जाएंगे, प्लस थ्री कराएंगे, इसके कॉलम में जो भी आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, इसके रो में जो आ रहा है वो छोड़ दीजिए, तो आपके पास माइनस वन टू, माइनस वन टू और जीरो फोर, जीरो और फोर, ये आए। ठीक है, अब जो है हम जैसे टू बाय टू का करते थे, तो हम यहां पर देखिए तीन डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं टू बाय टू के, उनके हम वैसे ही निकालेंगे। तो हम जब यहां पर वन इंटू जीरो इंटू वन तो जीरो, माइनस फोर इंटू टू तो एट, फिर माइनस टू इज देयर, फिर माइनस वन इंटू माइनस वन तो माइनस वन, बीच में इट विल कम माइनस बाय डिफॉल्ट एंड टू इंटू टू इट विल बी फोर। ठीक है, प्लस थ्री, माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर एंड माइनस जीरो, टू इंटू जीरो माइनस जीरो विल बी देयर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको इवेल्युएट कराते हैं। अब जीरो माइनस एट तो माइनस एट हो गया, माइनस टू इंटू माइनस फाइव, प्लस थ्री इंटू माइनस फोर, यह आ गया माइनस एट प्लस टेन और माइनस ट्वेल्व। तो ये हमें क्या दे जा रहा है, माइनस एट प्लस टेन माइनस ट्वेल्व तो माइनस टेन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री का की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम रो वन के अलोंग एक्सपेंड करके निकाल रहे थे, रो वन के अलावा भी जैसे रो टू रो थ्री या कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री में से किसी के अलोंग भी हम एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, इसमें हम अगर कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करके निकालेंगे वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कॉलम वन के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, कॉलम वन हमारा क्या है, ये है, इसके अलोंग हमें करना है, तो इसका साइन पोजीशन साइन जो है प्लस माइनस और प्लस, क्योंकि हमेशा हम ये जो पहले वाले एलिमेंट को प्लस साइन देते हैं, उसके बाद आप डाउन द कॉलम या टुवर्ड्स राइट साइड इन अ रो आप पढ़ते हैं प्रोसीड करते हैं, तो आप प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली एलिमेंट्स को साइन देते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर एक्सट्रीम जो मतलब हमारे पास अपर लेफ्ट कॉर्नर है उसको हमें प्लस साइन देना है। ठीक है, तो ये प्लस ही है तो वन, उसके बाद जो है हम इस कॉलम में और इस रो में जब छोड़ेंगे तो जीरो फोर टू वन आएगा, जीरो फोर टू वन आएगा, फिर इसमें माइनस है साइन यहां पर और ये नंबर भी माइनस वन है तो माइनस वन आ जाएगा। लेट अस राइट दिस इन ब्रैकेट एंड अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के हमारे पास टू थ्री फोर और वन बचा, तो हम लिखेंगे टू थ्री फोर
4, 1 ठीक है। फिर हम अब इस एलिमेंट पे आएंगे, इसका पोजीशन साइन है प्लस, प्लस लेंगे और ये भी पॉजिटिव है तो 2 लिखेंगे। फिर हम इस कॉलम को और इस रो को जब छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 0 और 3 2, तो 2 0 और 3 2 आएगा ठीक है। अब हम जिस तरह से 2 by 2 को और लास्ट अभी जो हमने एक्सपेंड किया था अलोंग फर्स्ट रो, तो उसी तरह से हम जो है यहां पर करेंगे 0 into 1 तो 0 हो गया, -8 विल बी देयर क्योंकि 4 2 जा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इज देयर, उसके बाद 2 -12 हो जाएगा क्योंकि 2 into 1 ये ऐसे कराते हैं, फिर माइनस करा करके हम ये लिखते हैं, फिर प्लस 2 into यहां पर 4 और माइनस में 0 आ जाएगा ठीक है। तो ये आ गया 1 -8 + 2 into -10 और फिर 2 नहीं है यहां पर, 1 है तो ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 into -10 और +2 into 4 ठीक है। अब ये आ गया -8, ये आ गया -10 और ये आ गया +8 ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम कैंसिल करा दे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो अल्टीमेटली हमें -10 आएगा जो कि हमारे हमने जब रो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया था तो उसमें भी हमें -10 वैल्यू आई थी ठीक है। तो आई होप कि ये आपको एक्सप्लेन वो जो एक्सपेंड करके हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो वो समझ में आ गया होगा। हमने ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 तीनों के देख लिए, तीसरे वाले में हमारे पास थोड़े ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यूज की निकाल सकते हैं, और हमने रो 1 और कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाला और देखा कि वो वैल्यूज सेम आ रही हैं दोनों ही मेथड से ठीक है। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाला, अब हम देखेंगे कि माइनर्स क्या होते हैं। माइनर्स बेसिकली क्या होगा, अगर हम माइनर्स की बात करें तो माइनर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमारे पास, मान के कि हम जो है लेट ए एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 by 3 का, या लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑर्डर 1 का ले लेते हैं, तो यहां पर इसका माइनर कितना होगा, 1 है। बहुत ट्रिकी चीज तो नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन इसका माइनर क्या होगा, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो हम जो है जैसे अगर हमें लेट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो ये 1 by 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका माइनर क्या होगा, तो इसका माइनर जो है एक्चुअली माइनर इज डिफाइंड लाइक कि आप जैसे अभी किसी रो या किसी कॉलम जैसे किसी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, आप A11 का निकाल रहे हैं, तो A11 में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उसके रो में और उसके कॉलम में, उनको छोड़ के जो डिटर्मिनेंट बन रहा था वो वैल्यू हम इवेल्युएट कराते थे जो, तो वही होता है माइनर, वो 3 by 3 से ज्यादा समझ में आएगा या 2 by 2 से ज्यादा समझ में आएगा। 1 by 1 में अगर हम इसको छोड़ के निकालना चाहें तो कोई है ही नहीं, तो इसका माइनर क्या होगा, माइनर इसका हो जाएगा 0 ठीक है। माइनर ऑफ दिस जो A11 एलिमेंट के अबाउट जो हम माइनर निकालेंगे वो अगर हमें 1 by 1 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका 0 आ जाएगा ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अभी नहीं आया है तो 2 by 2 वाले मैट्रिक्स से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये माइनर। लेट
एक बी ले लेते हैं, टू बाय टू मैट्रिक्स, यहां पर टू थ्री फोर और जीरो, ठीक है। तो ये एलिमेंट तो ए वन वन है, तो हम जो है माइनर को एम वन वन लिखते हैं, ठीक है, एम वन वन लिखेंगे माइनर को, जो करस्पॉन्डिंग टू ए वन वन होगा। तो हमने एम वन वन ले लिया। अब एम वन वन निकालने के लिए आपको ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, इसके एलिमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस एलिमेंट जीरो। तो आपको इसका माइनर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, ए वन वन के रिलेटेड जो माइनर होता है उसको हम एम वन वन से डिनोट कराते हैं और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास जीरो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ए वन टू के अबाउट जो होता है उसको माइनर को हम ए वन टू लिखते हैं। अब ए वन टू कौन सा है, ये है, इसके कॉलम में जो एलिमेंट है और इसके रो में जो एलिमेंट है उनको जब जब अगर हम छोड़ दें या डिलीट कर दें तो वी विल लेफ्ट विद दिस फोर ओनली, तो हमारे पास इसका माइनर कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ए टू वन, क्योंकि इसमें अब ए वन थ्री तो है नहीं, ए टू वन पे आ गए, ए टू वन ये है, ए टू वन के रिलेटेड जो हमारे पास माइनर होगा वो होगा एम टू वन, और यहां पर जब हम इसको और इसको डिलीट करा देते हैं तो वी विल लेफ्ट विद दिस थ्री, तो हमारे पास ये थ्री हमारा जो है एम टू वन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम ए टू टू के लिए अगर लिखेंगे तो वो हम एम टू टू लिखेंगे, और यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ए टू टू है, तो उसको इस वाले को अगर लेफ्ट कर दें, हम डिलीट कर दें, इधर डिलीट कर दें, वी विल लेफ्ट विद टू, तो टू विल बी द माइनर एम टू टू। तो इस तरह से अगर आप देखें तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं उसके, और माइनर्स हम कैसे निकालते हैं, तो वन वाले में तो हमेशा ही जीरो होगा, शून्य आएगा हमें, टू बाय टू में हम इस तरह से निकालते हैं कि उस रो या उस कॉलम में आने वाला कोई भी एलिमेंट है उसको हम डिलीट करके जो डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू निकाल करके माइनस निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब हम थ्री बाय थ्री का देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं माइनस। तो थ्री बाय थ्री में माइनस बेसिकली नाइन होंगे। जैसे अगर आप मान रखिए लेट सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वन टू माइनस वन जीरो टू फोर टू थ्री माइनस वन, ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री है, ठीक है। अब इसका जब अगर हमें माइनस निकालना है तो हाउ मेनी माइनस विल बी देयर, माइनस जो है जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं, तो सिंस देर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, राइट, देर आर नाइन एलिमेंट्स, सो नाइन माइनर्स विल बी देयर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब जो है हम एम वन वन लिखेंगे अगर, तो यहां पर ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, टू है, फोर है, थ्री है, माइनस वन है, इस तरह से ये आएगा माइनस टू माइनस ट्वेल्व, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से माइनस टू आया, बीच में माइनस साइन बाय डिफॉल्ट आता है और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, जो भी आउटकम आता है वो लिखते हैं, तो ये आ गया माइनस फोर्टीन, ठीक है। तो एम वन वन हमारा माइनस फोर्टीन हो जाएगा। इसी तरह से एम वन टू अगर हमें निकालना है तो इस एलिमेंट के अबाउट निकालना होगा, तो हम जो है इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दें अगर, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनेगा वो टू माइनस वन और थ्री माइनस वन से बनेगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा माइनस टू, और फिर माइनस कम्स इन बिटवीन बाय डिफॉल्ट एंड माइनस वन इंटू थ्री, तो इट विल गिव अस माइनस थ्री. अल्टीमेटली इट विल गिव अस माइनस टू प्लस थ्री एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी वन, राइट. इसी तरह से हम एम वन थ्री निकालेंगे, क्योंकि यहां पर एम वन थ्री भी है. तो एम वन थ्री हम कैसे निकालेंगे, तो हम जो है यहां थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करा देते हैं. तो हमारे पास जो बचता है 2 माइनस वन और 2 फोर, 2 माइनस वन और 2 फोर बचता है. इनको जब हम इवेलुएट कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 फोर जा 8 माइनस फिर माइनस 2, तो ये आ जाएगा 10. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो M13 मतलब हमने तीन फर्स्ट रो के अबाउट तीन माइनस हमने अभी निकाले. तो इस तरह से हमने M11, M12, M13 निकाल लिया, मतलब तीन माइनस निकाल लिए, या कहें कि रो वन के अलोंग जो तीन माइनस हमें बनेंगे A11, A12 और A13 के अबाउट, वो हमने निकाल लिए. अब अगर हम M21 निकालना चाहते हैं तो हमें यही काम करना होगा कि सेकेंड रो में जो भी आ रहे हैं और फर्स्ट कॉलम में जो भी आ रहे हैं उन सभी को डिलीट करके जो बनेगा हमें डिटरमिनेंट वो 2, 0, 4, 2 और 1 से बनेगा. तो वो हमें फिर मिल जाएगा माइनर 2, 1 का. तो M21 जो है वो कैसे निकलेगा, M21 निकलेगा 0, 4, 2 और -1 से. तो 0, 4, 2 और -1 से फिर हम जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 × -1 विल गिव अस 0, माइनस 4, 2 जा 8, तो ये -8 आ गया. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माइनस हम कैसे निकालते हैं. इस तरह से हम 9 माइनस निकालते हैं. ठीक है, तो एक प्रोसीजर आपको मिल गया. जैसे एक और निकाल लेते हैं, M22 अगर हमें निकालना है तो हम जो है इसके कॉलम में और इसके रो में जो भी आ रहा है, M22 कौन सा है, ये है. तो इसके कॉलम में ये सारे आ रहे हैं और रो में ये सारे आ रहे हैं, तो इन सभी को हटाने के बाद हमें 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, 2 एंड -1, ठीक है, ये मिलेगा. तो यहां पर 1 × -1 विल गिव अस -1, माइनस फिर यहां पर -1 × 2 तो -2, एज ए रिजल्ट ये हो गया -1 + 2 और ये आ गया 1. ठीक है, एंड सो ऑन. रिमेंबर देयर विल बी 9 सच माइनस एज देयर आर 9 एलिमेंट्स देयर. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो भी एलिमेंट का हमें निकालना है तो उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी है, जैसे 1 और 1 है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है. उसके बाद जो आपको एलिमेंट्स बचेंगे उनका एक डिटरमिनेंट बनाना है और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं माइनस की. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज का थर्ड टॉपिक है उस पर आ रहे हैं. वो था हमारा कोफैक्टर्स. जिस तरह से हम माइनस निकालते हैं उसी तरह से कोफैक्टर्स निकालते हैं. एक्चुअली आपको इंट्रोडक्शन के समय में मैंने बताया कि माइनर्स और कोफैक्टर्स में माइनर्स का डिफरेंस होता है, तो वो हम देख लें अगर, तो हम आसानी से कोफैक्टर्स निकाल पाएंगे. तो वो डिफरेंस, माइनर डिफरेंस क्या है, देखिए कोफैक्टर्स को हम यूजुअली कैपिटल ए आई जे से डिनोट करा सकते हैं, जहां पर कि आई जे जो है वो सबस्क्रिप्ट है, तो ये रो और कॉलम को डिनोट करता है. तो ए आई जे यहां पर क्या होता है, -1 की पावर में i+j इंटू एम आई जे. मतलब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है,
टू गेट को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर्मूला यह है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहां पर एम आई जे जो है वो माइनर्स को डिनोट करेगा, वो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ए आई जे आपके पास एलिमेंट है, इसके अबाउट जो माइनर बनेगा वो हम एम आई जे से डिनोट कराएंगे, और फिर कोफैक्टर के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम जो है कोफैक्टर्स निकालते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको अब पता चल गया होगा कि माइनर निकालना जरूरी है। तो मान रखिए कि हमारे पास E एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2-4, 3-2। अब यहां पर एलिमेंट्स अगर हम देखें तो A11 है 2, A12 है -4, A21 है 3 एंड A22 है 2। ये है हमारे पास A11 है 2, A12 है -4, A21 है 3 और A22 है 2। ठीक है, अब इसके लिए जो माइनर्स निकलेंगे, करस्पॉन्डिंगली जो माइनर निकलेंगे, तो M11 होगा हमारे पास, यहां पर 2 को छोड़ दें अगर तो ये फॉर्चुनेटली 2 ही है, क्योंकि इस कॉलम को और इस रो को जब डिलीट कराएंगे तो वी विल हैव दिस एलिमेंट ओनली। तो हमें M11 2 आ जाएगा। फिर M12 के लिए वी विल डू द सेम थिंग। तो ये हम जब इसको और इसको हटाएंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास M21 की बात करें अगर, तो हम जो है इनको और इनको हटाएंगे तो हमें 4, यहां पर -4 है तो -4 आ जाएगा। और M22 के लिए ये रो और ये कॉलम हटाना है तो हमें ये वाला 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने माइनर्स निकाल लिए। अब जो है कोफैक्टर्स निकालना है, तो हम जो है A11 कराएंगे कोफैक्टर्स के लिए, A11 कराएंगे। अब क्या फॉर्मूला होता है, -1 की पावर में आई प्लस जी। तो -1 की पावर में आई प्लस जे, तो आई यहां पर 1 है, जे हमारे पास यहां पर 1 है, तो 1+1 2 हो जाएगा। और M11 तो M11 इस तरह से अगर देखें तो ये -1 की पावर में 2, यानी कि किसी नेगेटिव का स्क्वायर हम कर रहे हैं, उसमें भी -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो वी विल गेट 1 देयर। तो M11 के बराबर ही आ जाएगा, जो कि ये है 2, तो 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से A12 अगर हम कराएंगे तो ये -1 की पावर में 1+2 आ जाएगा और M12 आ जाएगा, यानी कि यहां पर -1 की पावर में ऑड आ गया, तो जो कि हमें -1 दे जाएगा और इनटू में हमें M12 की जो भी वैल्यू आई है वो लग जाएगा। तो इस तरह से ये -3 आ जाएगा। फिर A21 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहां पर भी -1 की पावर में 2+1 लगाना पड़ेगा, M21 करना पड़ेगा, और यहां पर भी चूंकि हमें ऑड पावर आ गया -1 का, तो माइनस विल बी देयर एंड 21 जो हमें -4 है। तो इस तरह से ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके हमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट या कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 21 हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और A22 की बात अगर करें तो -1 की पावर में 2+2 और M22
अब ये क्या हो गया, इवन पावर है, तो जो एम टू टू की वैल्यू है वही आ जाएगी, और ये है टू हमारे पास, तो इसका कोफैक्टर जो है टू आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इनफैक्ट ये बात हो गई कि अगर आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है, जैसे आपको ए वन वन निकालना है, तो उसके सबस्क्रिप्ट में वन और वन दो डिजिट्स वन वन है, उन दोनों को ऐड करिए, अगर वो इवन आ रहा है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर की वैल्यू हो जाती है, और अगर ऑड आता है सबस्क्रिप्ट के डिजिट्स का सम, तो फिर माइनस साइन लगा दीजिए उस माइनर के सामने, तो आपको करस्पॉन्डिंग जो है कोफैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोफैक्टर्स की जानकारी मिल गई पूरी तरह से। ठीक है, अब जो है हम और आगे बढ़ते हैं, आज का जो फोर्थ पॉइंट है आज के सेशन में, जो हमें फोर्थ पॉइंट करना है वो करते हैं। उसमें क्या था कि अगर आपको तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला देख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम हाफ यहां पर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 लेंगे। ठीक है, फिर क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए वी विल पुट अ मॉड साइन देयर। ये वाला जो है अभी जो हमने दो वर्टिकल लाइंस खींचे वो एक्चुअली मॉड्यूलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज होगा। तो ये फॉर्मूला है टू गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच थ्री वर्टिसेस आर गिवन। मान रखिए, लेट अस सपोज आपको एक ट्रायंगल है दिया हुआ, उसमें ए है बी है सी है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है 1, 1, बी का है -1, 2 और सी का है -2, 4। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमारे पास यहां पर ये एक्स वन वाई वन की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स टू वाई टू की वैल्यू हो जाएगी और ये एक्स थ्री वाई थ्री की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगर ये फॉर्मूले में लगा देंगे तो जो भी आएगा उसका स्क्वायर यूनिट जो है हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस यूज दिस। हाफ है यहां मॉड के लिए हम लगा देते हैं साइन, यहां पर जो है 1, 1, 1 आ जाएगा पहले वाले रो में, दूसरे वाले रो में आएगा -1, 2 और फिर 1, तीसरे वाले में आएगा -2, 4 और 1। ठीक है, और फिर मॉड क्लोज्ड। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी हम निकाल रहे थे यहां 1/2 हो गया। उसके बाद हम जो है मान रखिए कि फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करके इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके निकाल रहे हैं, तो हम जो है यहां पर 1 लिखेंगे क्योंकि इसका पोजीशन साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस होगा। ठीक है, तो इस वाले का प्लस साइन है 1, फिर यहां 2 × 1 तो 2, -4 × 1 तो 4, फिर माइनस इस वाले का साइन माइनस है, 1 इज देयर, इसको हम अगर लीव करते हैं, इसको लीव करते हैं तो हमारे पास आता है -1 × 1 तो -1, माइनस कम्स इन बिटवीन बाय डिफॉल्ट -2 × 1 तो -2 हो गया, तो ये +2 हो जाएगा, फिर प्लस साइन है इसके पोजीशन का 1 होगा, और फिर जब हम इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करा देंगे तो हमारे पास -1, 2, -2, 4
और जब हम उनको इवेलुएट कराएंगे तो माइनस वन इंटू फोर विल गिव अस माइनस फोर, माइनस फिर माइनस टू इंटू टू, माइनस टू इंटू टू तो माइनस फोर हो गया, और माइनस बीच में ऑलरेडी आ चुका है तो इट विल गिव फोर। इस तरह से हमारा ये वैल्यू इवेलुएट होगा और यहां मॉड क्लोज्ड हो जाएगा, तो फिर ये आ गया वन बाय टू, और यहां पर आ रहा है टू माइनस फोर तो माइनस टू, और इनटू में वन है देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये माइनस वन प्लस टू तो वन हो गया, वन इंटू माइनस वन तो माइनस वन हो जाएगा, और ये जो है माइनस फोर प्लस फोर जीरो ही हो गया, तो इससे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, जीरो ही निकलेगा। तो यहां पर आ गया वन बाय टू इंटू माइनस थ्री, तो बेसिकली माइनस थ्री बाय टू हुआ, पर ये मॉड है तो इसीलिए ये आ जाएगा थ्री बाय टू और स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं जिनमें कि हमें क्या दिया हुआ है, तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम मान रखिए कि हमें लास्ट आज के सेशन का जो लास्ट है वो करते हैं कि हम एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं। हम जो है दो वर्टिसेस अगर दिए हुए हैं तो बाय यूजिंग डिटरमिनेंट वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज फॉर दैट, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। अभी मैं उसको लिखता हूं कि हमें जो है अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसमें कि दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो मान रखिए हमारे पास ए जो है एक पॉइंट है वन टू, और बी एक पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है माइनस टू एंड थ्री। लेट अस सपोज ऐसे दिया हुआ है, तो ये फिर से वही बात हो गई कि ये आर्बिट्ररी है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। अब हमें मान रखिए कि क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स, तो हम जो है कैसे निकालेंगे। तो यहां पर यूजिंग डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो हम यहां पर सीधा सीधा ये लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ए एंड बी इज क्या होगा। यहां पर हम जो है एक डिटरमिनेंट बनाएंगे एक्स वाई और वन, पहले रो में हम एक्स वाई और वन लिखेंगे, दूसरे में हम वन टू वन, वन और टू यहां से आया और वन ये आता ही है हमारे पास, ये वन आपको लगाना ही है, जैसे एक्स वाई और वन उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा माइनस टू थ्री और वन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पर हो क्या रहा है, तो हमने क्या किया एक पॉइंट सपोज कर लिया एक्स वाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, मतलब ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बन रही है उसी पर हम एक्सटेंडेड पार्ट में कहीं पर जाके एक सपोज कर लिया कि हमारे पास एक्स वाई एक पॉइंट और है, और फिर हम जो है एरिया निकाल रहे हैं। तो जब हम तीन कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया जीरो निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें एरिया में फॉर्मूले में क्या होता है वन बाय टू होता है, तो अगर हम इसको जीरो करा रहे हैं तो ये वन बाय टू उधर जाके जीरो को डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा, तो हमें फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें जो है
इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसके लिए हम सीधा सीधा फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं और हम इसको एक्सपेंड कराएंगे जैसे हमने एक्सपेंड करना सबसे वेरी बिगनिंग में सीखा था। तो यहां पर हम x फर्स्ट रो के अलोंग ही यूजुअली हम एक्सपेंड करते हैं ऐसे केसेस में। तो यहां पर x है, इस कॉलम को और इस रो को हमने डिलीट कर दिया, तो 2, 3, 1 और 1, तो 2 × 1 तो 2 आ गया, -3 × 1 तो 3 आ गया, ठीक है। फिर इस पोजीशन का साइन होता है माइनस, y विल बी देयर। फिर इस कॉलम को डिलीट और इस रो को डिलीट, 1 − 2, 1, 1 इज देयर, 1 × 1 विल गिव अस 1, माइनस कम्स बाय डिफॉल्ट, -2 × 1 तो -2 हो गया, और -2 × -, तो ये हो गया +2, ठीक है। फिर हम इस पे आ जाते हैं, इसका पोजीशन साइन है प्लस, 1 इज देयर तो हमने +1 लिख दिया। फिर इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कराया, तो 1 − 2, 2 और 3 बचा, तो हमारे पास 1 × 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस फिर -2 × 2 तो -4, और माइनस से मल्टीप्लाई होके इट विल बिकम 4 देयर, ठीक है, और इक्वल टू 0 इज देयर। अब हम इसको इवेलुएट करा लेते हैं, 2 − 3 = −1 × x तो −x विल बी देयर। उसके बाद फिर यहां पर है 1 + 2 = 3 तो −3y विल बी देयर। देखिए आप इसको इवेलुएट कराइए, −3y विल बी देयर एंड 3 + 4 = 7 विल बी देयर, तो यह आ गया 7 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम चूंकि जो वेरिएबल होता है उसमें जो सबसे पहला वाला टर्म होता है यूजुअली वी वांट टू कीप पॉजिटिव देयर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे और उसको दूसरी साइड मतलब 0 में मिला देंगे जाके, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो होगा x + 3y − 7 = 0। क्या किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस एक्स था तो इट विल बिकम एक्स, −3y विल बिकम 3y + 3y एंड +7 विल बिकम −7, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ जब हमें लाइन निकालनी है थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको चेक करना है आंसर तो आप जो है ए के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालिए, देखिए 1 और 2 है तो 1, एक्स की जगह 1 डालिए, वाई की जगह 2 डालिए, तो 1 + 3 × 2 = 6 तो 1 + 6 = 7 हो गया, −7 तो 0 हो गया। दूसरा वाला डालिए, एक्स की जगह −2 डालना है और वाई की जगह 3 डालना, तो −2 + 3 × 3 = 9 तो −2 + 9 तो वो हो जाएगा 7 और −7 तो 0, मतलब ये दोनों ही पॉइंट्स इस जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, तो हमने बनाया ही वही था, ठीक है। अब देखिए जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस कर लिया तो हमने एक और चीज डिस्कस कर लिया कि आपको अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको शो करना है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आपको क्या करना होगा, एरिया को 0 करना पड़ेगा, या फिर कहिए कि अगर शो करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रिजल्टिंग आउट ऑफ दोज 3 पॉइंट्स 0 आना चाहिए। तो जब आप एरिया फॉर्मूला लगा करके 3 पॉइंट्स को कोलिनियर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस आल्सो। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने डिटरमिनेंट क्या होता है वो देखा, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखा, माइनर्स कोफैक्टर्स और डिटरमिनेंट का जो एप्लीकेशन है इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस आर गिवन वो देखा,
फिर हमने इक्वेशन निकाला, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए होंगे तो उसके थ्रू पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बनाई यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, और फिर हमने ये देखा कि किसी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर अगर शो करना है तो वी कैन यूज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल रिजल्टिंग आउट ऑफ दोज थ्री पॉइंट्स एंड इट मस्ट कम आउट टू बी जीरो। तो इस तरह से आज हमने डिटरमिनेंट्स का काफी कुछ कवर कर लिया जो कि टर्म वन में पूछा जाएगा 2021-22 के सेशन के हिसाब से। टर्म वन नवंबर में होना है, इसका एमसीक्यू का भी वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एमएनसी एजुकेशन चैनल को तो प्लीज डू सो, और कीप ऑल ऑप्शंस ओपन, मतलब बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए ताकि आपको एमएनसी एजुकेशन की तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपको इमीडिएटली पता चल जाए कि ये वीडियो डाली गई है, ताकि आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले सेशन के साथ होगी। एंजॉय योरसेल्फ।